And what marks another low for Uttar Pradesh police, cops were caught on camera slapping a young woman inside a police station in Ghaziabad and casting aspersions on her character. With the men in uniform in UP getting more and more brazen each day, isn't it time Chief Minister Akhilesh Yadav took some strict action to set an example for the policemen in his state? ये साहिबाबाद में शालीमार गार्डन के पास में रात में जो है वो एक युवक और एक युवती जो है वो नशे की हालत में आपत्तिजनक स्थिति में थे, जहां पर कि उनके मोहल्ले के लोग जो है वो आए और उन्होंने उनको पकड़ के पुलिस के पास लाया। वहां पे जो है वो दोनों कपल द्वारा जो है वो पुलिस के साथ अभद्रता भी की गई, कुछ मारपीट की भी घटना हुई और उसी क्रम में जो है वो उन लोगों के खिलाफ धारा 160 में 294 IPC और ड्रंक एंड ड्राइविंग MBA के तहत जो है वो कार्रवाई की जा रही है। एक तो उसने शराब पी नहीं होगी और अगर उसने पी भी थी तो पुलिस का ये कर्तव्य नहीं बनता, पुलिस की ये ड्यूटी नहीं है कि उसको मारे कूटे। ठीक है, उसका नशा उतरने का भी इंतजार पुलिस कर सकती थी, डॉक्टर के पास भी पुलिस ले जा सकती थी, लेकिन ये जो मारने वाली घटना सामने आई है, मैं सोचती हूँ कि जरूर कोई ना कोई एक्शन उत्तर प्रदेश की सरकार को लेना चाहिए। कैसे? उन पुलिस कर्मियों ने जिन्होंने मारा है उनको सस्पेंड करें, उनकी इंक्वायरी हो और इंक्वायरी में अगर सही पाया जाए तो नौकरी से डिसमिस किया जाए। आई वुड से पुलिस नीड्स इट्स ओन पुलिस रेवोल्यूशन विद इन टू इम्प्रूव इट्स बिहेवियर विद इन टू इम्प्रूव मेक इट मोर सिविल एंड नॉट जस्ट स्लैप गेट्स ऑल द टाइम एंड नॉट स्लैप बाजी। इस तरह की घटनाएं लगातार अलग अलग जगहों पर दिखाई पड़ रही हैं, सुनाई पड़ रही हैं। इसको बहुत ही मानवीय ढंग से, बहुत ही संवेदनशील तरीके से उसको डील करने की जरूरत है। मैं मानता हूं कि पुलिसिया अंदाज में अगर इस तरह की घटनाओं को डील किया गया तो इस तरह की घटनाएं और बढ़ेंगी और कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश भी बढ़ेगा।